सो मेनी ऑफ यू हैव रिक्वेस्टेड मी टू मेक अ वीडियो ऑन फॉर्मल क्लोथिंग कि हमारे फॉर्मल वार्डरोब में कौन कौन से कपड़े होने चाहिए, बट फॉर्मल वार्डरोब को एक सिंगल वीडियो में कवर करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. एक्चुअली नॉट इम्पॉसिबल, बस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी. तो इसलिए आज मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसकी शुरुआत मैं उन 5 फॉर्मल शर्ट्स से करूंगा जो आपके वार्डरोब में होनी चाहिए. वो 5 शर्ट्स जो आप किसी भी फॉर्मल सेटिंग में पहन सकते हो, बिकॉज जब भी हम फॉर्मल कपड़ों की बात करते हैं, लेस इज ऑलवेज मोर. और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस लेस को मोर देन इनफ बना सकते हो. कीप ऑन वॉचिंग. Before starting the video, hit that like button because उससे ये वीडियो और भी लोगों तक जाएगी, which I really want. Also, drop your precious comment below because it is important. Comments वगैरह किया करो यार, मजा आता है आपके comments पढ़ने में. And now when you're done with this, हम शुरू करते हैं आज की वीडियो. और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैं जितनी भी शर्ट्स दिखाऊंगा, they are from a specific brand called Mark and Albert, which is available on Amazon. और ये ब्रांड मैंने एक दो हफ्ते पहले ट्राई किया था. एक्चुअली आई वॉन्टेड अ वाइट ड्रेस शर्ट, तो मैंने इस ब्रांड की वाइट शर्ट ऑर्डर की एंड आई लाइक्ड इट सो मच कि मैंने सोचा क्यों ना बाकी की शर्ट्स, बिकॉज मेरे को अपने वार्डरोब में थोड़ी सी शर्ट्स ऐड करनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी ब्रांड की शर्ट्स ऐड कर ली जाए. और अभी के लिए मैं आपको जल्दी से एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस ब्रांड का. दे रियली आर सम ऑफ द फाइनेस्ट शर्ट. इनका फैब्रिक काफी लग्जरियस होता है विद अ वेरी सॉफ्ट टच. द फिट इज फ्लॉलेस. अगर आप एक पतले बंदे हो तो आपको भी इनकी शर्ट की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, बिकॉज इनका जो ओवरऑल कट होता है वो थोड़ा सा टेपर होता है, विच लुक्स रियली वेल. जो भी शर्ट मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा उसका Amazon लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. अगर आप अपने लिए लेना चाहते हो या फिर आप और भी ऑप्शंस ब्राउज करना चाहते हो तो आप वहां से कर सकते हो. शुरू करते हैं हमारी वीडियो. द फर्स्ट शर्ट जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, यू नो इट, अ क्रिस्प व्हाइट ड्रेस शर्ट. और अगर आपको लगता है कि व्हाइट शर्ट बहुत ज्यादा बेसिक है तो आप मार्क एंड एल्बर्ट की शर्ट ट्राई कर सकते हो, बिकॉज दे कम विद दीज लिटिल टेक्सचर्स जो कि बहुत ही अच्छा कैरेक्टर ऐड करता है आपकी शर्ट में. डजंट मेक इट लुक दैट बेसिक. और आप इसको भी किसी भी चीज के साथ पेयर कर सकते हो, बी इट अ चिनो, अ फॉर्मल पैंट और अंडर सूट. इट्स गोना लुक गुड एनीवे. मूविंग ऑन टू सेकंड शर्ट जो आपके फॉर्मल कलेक्शन में होनी चाहिए, इट इज a sky blue shirt. This color is one of my favorites जब मैं formal shirts की बात करता हूँ, and this brand has just took it to perfection. अगर आप इस shirt के collar and cuff देखोगे तो they are quite stiff, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप एक शर्ट लेने जा रहे हो तो आपको इन डिटेल्स का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज इट इज अ साइन ऑफ हाई क्वालिटी. क्योंकि इससे आपके कॉलर ऐसे गिरे हुए नहीं रहेंगे एंड यू विल बी लुकिंग शार्प एज ऑलवेज, बिकॉज फॉर्मल कपड़ों में ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, स्पेशली व्हेन यू वेयरिंग सच अ फॉर्मल कलर लाइक दिस. आप अगेन इस शर्ट को अपने ऑलमोस्ट पूरे वार्डरोब के साथ पेयर कर सकते हो, भले ही वो कोई वेडिंग हो या फिर कोई स्मॉल गैदरिंग या फिर आपका ऑफिस. यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद दिस शर्ट. वन ऑफ माय फेवरेट कॉम्बिनेशन व्हेन वेयरिंग अ स्काई ब्लू शर्ट इज टू पेयर इट अप विद अ ब्लैक ट्राउजर, क्योंकि उससे आपके आउटफिट में बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट आता है एंड इट लुक्स वेरी सेक्सी. मूविंग ऑन टू द थर्ड शर्ट एंड इट इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट देन सॉलिड ऑप्शन. इट इज अ चेक शर्ट. अब चेक्स भी बहुत तरीके के आते हैं, तो आपको बहुत ही स्पेसिफिक चेक्स पहनने चाहिए अगर आप फॉर्मली ड्रेसअप होना चाहते हो. आप गिंगम चेक्स प्रिफर कर सकते हो जिसमें बहुत छोटे छोटे चेक्स होते हैं, और यू कैन गो फॉर समथिंग लाइक दिस which is called tartan checks. ऐसी शर्ट आप इजीली एक फॉर्मल ओकेशन पे पहन सकते हो, स्पेशली योर ऑफिस जहां मैंने लोगों को ज्यादातर चेक्स पहने हुए देखा है. एंड डोंट वरी इफ द शर्ट इज गोइंग टू बी कंफर्टेबल और नॉट, बिकॉज द फैब्रिक ऑफ दिस शर्ट इज सो गुड सिंस इट्स 100% कॉटन, जो इसको काफी लाइट और ब्रीथेबल ऑप्शन बनाता है. इस शर्ट में थोड़ा सा स्ट्रेच भी है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इन योर मूवमेंट्स. यू कैन वेयर देम थ्रू आउट द डे एंड यू वोंट बी हैविंग एनी डिस्कम्फर्ट एट ऑल. यू कैन पेयर देम अप विद अ चीनो और अ फॉर्मल पैंट और इवन अ बेसिक डेनिम, और ये हर चीज के साथ काफी ज्यादा स्टाइलिश लगेगी. नाउ द फोर्थ शर्ट व्हिच यू शुड हैव इन योर वार्डरोब इज समथिंग जो कि आप नाइट टाइम में पहन पाओ, जब आप किसी इवेंट पे जा रहे हो या फिर आप किसी पार्टी में जा रहे हो. और उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है रिकमेंड करने के लिए, विच आर अ नेवी ब्लू शर्ट एंड अ ब्लैक शर्ट. मार्क एंड एल्बर्ट की इस शर्ट में एक बहुत ही सटल सा शाइन है, जो इसको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बनाता है फॉर पार्टीज. जैसे कि आपने एक सिल्क वाला फैब्रिक पहना हो, सो इट लुक्स रियली ग्रेट व्हेन यू ड्रेस दिस अप विद अ फॉर्मल पैंट. दिस कलर लुक्स रियली ग्रेट विद अ ग्रे फॉर्मल पैंट और अ ब्लैक ट्राउजर. आप चाहो तो इसको एक सूट के नीचे भी पहन सकते हो अगर आप एक मोनोक्रोमैटिक लुक कैरी करना चाहते हो. बट एट द एंड आई एडवाइस यू टू गेट दिस शर्ट फॉर योर क्लोजेट, बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस ऑप्शन फॉर योर फॉर्मल वार्डरोब और आप इसका काफी ज्यादा यूज निकाल सकते हो. एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट शर्ट ऑफ आवर लिस्ट एंड इट इज अ पैटर्न शर्ट. अब ये शर्ट मैंने इस लिस्ट में इसलिए ऐड किया, बिकॉज जितनी भी शर्ट्स के बारे में मैंने आज बात की है इस वीडियो में, उससे आपका ऑलमोस्ट पूरा फॉर्मल वार्डरोब कंप्लीट होता है. तो जब आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं, तो बेसिक से कुछ हटके आपको एक पैटर्न शर्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप इसको फॉर्मल पैंट्स के साथ तो पहन ही सकते हो, बट यू कैन ऑल्सो पुल इट ऑफ कैजुअली टू. आप देख सकते हो कि मैंने बहुत ही अतरंगी पैटर्न नहीं लिया, इसमें बहुत ही छोटे छोटे स्टार्स प्रिंटेड है और जो इसका कलर है वो भी बहुत ही बेसिक है, विच इज वेरी डार्क ब्लू. तो अगर आप एक पैटर्न शर्ट ले रहे हो, उसको बैलेंस करने के लिए आपको एक
basic color pick karna chahiye so that you don't look like a clown. This thing can be worn with your denims, your chinos and possibly with every formal pant. Agar aap isko ek grey trouser ke saath pehnoge to ek bahut hi acha combination banega. You can also wear it with a black और olive chino if you want to dress it down a bit. अगर आप Marc & Albert के और भी ऑप्शन देखते हो जो कि आपको Amazon पर मिल जाएंगे तो वहां पर और भी different different prints है जो कि आप try कर सकते हो. But make sure you keep it certain because जब formal spent है that is what you should aim for. These were all the shirts जो आपके wardrobe में होनी चाहिए. मैंने जितनी भी shirts आज दिखाई है मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा. In case you want to get something for yourself, मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि आप इस ब्रांड की शर्ट ले लो because their fit is good. Their fabric is really of high quality और जो इन्होंने बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पर काम किया है उससे ये शर्ट्स काफी लग्जूरियस दिखती है. यू गेट दिस थिंग फॉर लाइक 1/4 ऑफ द प्राइस. तो अगर आप 1500 के अंदर कुछ देख रहे हो योर मनी विल बी वेल स्पेंट ऑन दिस. सो That's all for this video. If you liked it and you found it helpful, give it a thumbs up. Also watch this video जहाँ मैंने बात की थी on some formal fashion tips. It's a nice video. मैंने बहुत ही basic tips दिए जिससे आप formal में और भी अच्छे दिख सकते हो. So make sure you give it a watch. That's all for this video. I'll see you with a new one. Till then, stay tuned. See you soon.